अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ राशिद हसन। अच्छा, सीन ये है कि मैं अभी सुबह सुबह निकला हूँ और मुझे थोड़ा सा रास्ते में कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो मैं लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये एक टैबलेट ली है सैफी हॉस्पिटल, ठीक है। और अब ये देखें, ये है 10 टैबलेट दिए इन्होंने 14 रुपये के हिसाब से, और ये टोटल इन्होंने बिल बना दिए 144, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सैफी हॉस्पिटल में जो दवाई मिलती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये टोटल रिटेल प्राइस पे है। रिटेल प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है, और जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर जो आते होंगे मरीज़ इमरजेंसी में और उसमें आते हैं तो बहुत ऑलरेडी परेशान होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा पूछ गछ नहीं करते होंगे। तो मैंने रूटीन की दवाई ली है तो मुझे पता चला कि ये कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर, और रिटेल प्राइस पर ही ये दे रहे हैं। तो ज़रा इसका आप लोग ख्याल रखें, ऐसी जगह से लें जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिले, वैसी बहुत महंगाई होती है। बताल ये हुई है कि सुबह से जो ना घर में गैस नहीं आ रही, ठीक है। तो गैस नहीं आने की वजह से ये हुआ कि जो सुबह जो रूटीन का नाश्ता है वो हमने नहीं किया किसी ने भी। मैं अभी आया हूँ यहाँ मेहरान पे नाश्ते के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना वो चने और पराठे मिलते हैं, तो चाय भी इसकी अच्छी होती है। तो आइए, ये है जी कैफ़े मेहरान, यहाँ हम रूटीन में जो है वो नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? नासिर भाई नहीं है? नासिर भाई नहीं है? अरे यार, देखो कभी आते हैं तो मुस्तकिल आते रहते हैं। चले यार नाश्ता करते हैं। आ गया जी पराठा लच्छेदार और ये चने। कोटा वालों की तो बात ही अलग है, तो शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मौसम है कराची का। ऐसे ही रहा है बस, बारिश ना हो बहुत तेज़। इस तरह का मौसम चलता रहे ना तो कराची वालों के मज़े हैं जनाब। ना ज़्यादा बिजली खर्च होगी, ना ज़्यादा बिल आएंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कराची वाले रोते ही रहते हैं, क्या करें जी। कराची वालों को इतना ज़्यादा रिच कर दिया है इदारों ने कि बस अब एंजाइटी होने लगी है सबको। ये जो देखें ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है ना, ये काफ़ी हद तक कामयाब हो गया कराची में। बस इसको कंप्लीट कर लें, टावर तक ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आज हमारे साथ जो है ना एक सीन हो गया, और सीन कुछ इस तरह से हो गया कि जिस मैं जब घर पहुंचा ऑफिस से तो हमारे घर की ना गैस नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने आस पड़ोस में पता किया भाई आप लोग की गैस आ रही है नहीं आ रही, क्या सबके यहाँ गैस आ रही, सिर्फ हमारे घर में नहीं आ रही। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने ये किया कि जनाब मैं जहाँ पर मीटर लगे होते हैं ना उस जगह पर गया, तो पता चला कि हमारे बराबर वाला के जो घर है उनका गैस का मीटर जो है ना कोई चोरी करके ले गया। और जब उसने गैस मीटर निकाला था उसने पूरी लाइन में सब तोड़ दी और गैस लीक हो रही थी, जिसकी वजह से ना गैस आनी बंद हो गई। तो भाई आप लोग भी ज़रा हिफाजत करें कि गैस के मीटर भी अब चोरी होने लगे। जब सीन कुछ इस तरह से है कि अभी मैं जा रहा हूँ 5 स्टार चौरंगी, और ताहा भाई से सेटिंग ये की है हमने आज के व्लॉग की कि हम कराची ब्रोस जो है ना उसकी हम आज व्लॉग करेंगे। तो हमारा टाइम अभी तय हो गया, आज जुमा है, जुमे के बाद जो है तकरीबन 1:45-2 बजे हम पहुंचेंगे एक ही जगह पे और वहां पर हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा भाई।
भाई ता भाई आ गए हैं जी। सलाम वालेकुम ता भाई। वालेकुम सलाम भाई। आज फिर हो जाए कराची ब्रोस्ट? बिल्कुल हो जाए। तो चलते हैं अभी हम कराची ब्रोस्ट को ट्राई करते हैं। अच्छा जी, व्लॉग तो हमने बना लिया फूड का, और ता भाई अभी मेरे साथ ही हैं, ये बैठे हुए हैं साथ। तो ब्रोस्ट जो हमने खाया ना, वो काफ़ी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। मतलब जैसा कि हमने बताया भी, अपने उसमें रिव्यू दिया है, ज़रूर सुन लीजिएगा हमारे फूड एक्सप्लोरर पे जाके, कि क्या फ़र्क है कराची ब्रोस्ट का जो डील है उसमें और KFC के डील में। बहुत ही वाजिब फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, व्लॉग भी हो गया और नमाज भी पढ़ ली, सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और जाके देखते हैं कि क्या मामला चल रहा है, फिर आपको अपडेट करते हैं। ये जनाब, रेड बसेस भी चल गई हैं कराची में, ये अच्छी बात है। कम से कम कराची को कुछ अपग्रेड तो किया जा रहा है। अच्छा, मैंने जो ये व्लॉग शुरू किया ना, डेली व्लॉग, ये मेरी कोशिश है कि रोज़ डालूं। तो अभी ज़ाहिर है डेली व्लॉग का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस मैं बना रहा हूँ। तो मेरे जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे बताते रहें, गाइड करते रहें कि मुझे इसको क्या अपग्रेडेशन करनी चाहिए, ताकि व्लॉग मेरे अच्छे से अच्छे बने और आप लोगों को फिर देखने में मज़ा भी आए। अच्छा, तो अभी गाड़ी का जो है ना, वो हॉर्न ख़राब हो गया था, तो मैं इधर आया हूँ हमारे जो साथ हैं पुराने मैकेनिक और अलीम भाई। तो मैं गाड़ी का काम इन्हीं से कराता हूँ, बहुत शुरू से कराता हूँ, कई साल हो गए। जो अलीम भाई, बिल्कुल भाई, तो बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं और बहुत सही काम करते हैं, मुनासिब पैसों में करते हैं। तो बस छोटा मोटा जो भी काम होता है ना, मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये बड़ा काम होता तब भी आ ही जाता हूँ। तो अभी मैं इसको दिखाने के लिए आया हूँ, हॉर्न जो है ना वो बारिश में बंद हो गया, तो वो अभी ये ज़रा देखते हैं, तो आपको दिखाते भी हैं। भाई ये चेक कर रहे हैं हॉर्न, ये तार मेरे हाथ से निकला था, ये वाला हॉर्न बजाऊँ? हॉर्न बजाते हैं भाई। स्विच तो लगा हुआ है, ऐसे ही बजता है वैसे। बजाऊं? हाथ रखा हुआ है मैंने। ये बात सुनो, मैंने चेक करवाया था, ये एक बंदे से चेक कराया था यार, ये जो इसकी है ना, इसमें करंट नहीं आ रहा। हाँ, जब अलीम भाई ने तो कह दिया था कि जी वो ये जो है ना, शायद इलेक्ट्रिशियन करेगा इसको काम, क्योंकि मसला कुछ दूसरा लग रहा था। तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ नॉर्थ में, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन है, तो ये ज़रा चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बिलाखिर जो है वो हॉर्न ठीक हो गया है, और बड़ी मुश्किल से जो है ना फॉल्ट इनको मिला है हॉर्न का। कहीं एक जगह से जो है तार डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको खोजने में जो है ना काफ़ी सारा टाइम लगा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया मेरा। दोस्तों, व्लॉग भी बन गया है, और दोपहर का खाना, लंच, सारी चीज़ें हो गई हैं। रात तकरीबन 9 बजने वाले हैं, मैं अभी इस वक्त घर पहुँच चुका हूँ, और बस रात के खाने की तैयारी चल रही है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।